क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण गोयल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जबलपुर नगर निगम सदन में हंगामे के बीच 13 अरब का बजट पेश। लोकसभा चुनाव आचार संहिता के चलते नगर निगम सदन में पेश नहीं हो सका बजट, अंततः पेश कर दिया गया 12,99,49,44,385 रुपए की अनुमानित आय तथा 12,99,77,200 के व्यय एवं 84,67,185 रुपए की सकल बचत वाला बजट पुरानी बोतल में नई शराब की लोकोक्ति को चरितार्थ करने वाला माना जा सकता है। जनवरी में नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर रखते हुए बजट में कोई अतिरिक्त टैक्स अधिरोपित नहीं किया गया है, लेकिन जनता को कोई बड़ी राहत का ऐलान भी नहीं किया गया है। पुनः पुनः इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराने का पूर्ण रूप से प्रयास किया जाएगा। मेरिट काउंसिल की बैठक दिनांक 27 फरवरी 2019 को 19 में पारित संकल्प क्रमांक 99,49,44,385 रुपए अनुमानित आय एवं 12,99,77,200 रुपए का व्यय आवंटन किया गया है। इसके पश्चात 48,67,185 रुपए बचत राशि हमारे देश के लोकप्रिय एवं यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जनसेवा के बहुमूल्य मंत्र सबका साथ सबका विकास के सपनों को साकार करने की दिशा में नगर पालिका निगम जबलपुर अध्यक्ष 12,99,00,000 के बजट में कोई बड़ी घोषणा नहीं की। आमतौर पर सड़क, उद्यान और फ्लाईओवर के लिए मुआवजा वितरण के प्रस्ताव बजट में रखे गए हैं। बजट पेश होने के बाद टैंकर घोटाले पर मामले उठाए जाने को लेकर सत्ता पक्ष के पार्षदों ने कमलनाथ पानी दो के नारे लगाना शुरू कर दिया। इस पर वरिष्ठ पार्षद और विधायक विनय सक्सेना ने कहा कि पानी देने का काम मुख्यमंत्री का नहीं, महापौर का है। इस सदन के अधिकारी, ये बीजेपी की सत्ता जो माननीय महापौर बैठी है, आप बैठी है, माननीय आयुक्त जी बैठे हैं, मैं विगत 8 महीने से चिल्ला रहा हूँ, जो एजुकेशन महेश राजपूत जी ने लगाया, आज 8 महीने से मैं उन अतिक्रमणधारियों को, जो नगर निगम के कुछल्ले दलाल, जो जहांगीराबाद में, जो रामपुर में, जिनने 3-3, 4-4 मकान में अभी कब्जा है, आप अभी आज यहाँ पे एक समिति बनाइए, सबसे पहले रामपुर की विस्थापितों की जांच कीजिए कि आपने कितने लोगों से पैसा लिया, कितने अवैध रह रहे हैं। एक एक दलाल के 50-50 मकान है और उन्हीं दलालों ने लेवा गार्डन में आके यहाँ पे बसे, जिनके नाम आज पेपरों में आए हैं, जेपी और आदित्य के इनको किन अधिकारियों का संरक्षण है कि दिल्ली से 1-1.5 लाख रुपए दे के 2 लोगों को शिफ्ट करा दिया रातों रात 2 महीने में चलते हुए, और मैंने 8 महीने से 2-2 बार ज्ञापन दिया और नगर निगम के अधिकारियों को दी, इतना समय नहीं, इतना टाइम नहीं के बाहर आके चेक करें, और मेरे ऊपर इल्जाम लगाने वाले जरा अपने गृहमान में हाथ डाल के देखे मैं किन लोगों को बता रहा हूँ, आप वहां जाके देखे हमारी लिस्ट में, आप बता रहे 2 साल पहले जो वहां विस्थापित हुए हैं उनमें सारे समुदाय के परिवार है, चाहे बहन हो चौधरी, उन लोगों को मैं अब बता रहा हूँ, मैं सदन में आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, आचार संहिता हटने के बाद जिन लोगों को आप 6 महीने पहले से एमआईसी में 3-10 लोगों का प्रस्ताव है, आप क्या मन में खोट नहीं होती तो उन 3-10 परिवारों का 6 महीने पहले आपने उस प्रस्ताव को पास कर दिया होता तो आज जो हमारे 300 परिवार झुग्गी बस्ती में इसी तरीके से ना रोड है, ना नाली है, ना पानी है, झुग्गी में रह रहे 20-20 साल से, उनको नहीं दे सकते आप, उनके प्रति दया नहीं है, वो भी हमारे भाई है जो तीन परिवार आज गांधीनगर में 20 साल से झुग्गी बस्ती में रह रहे हैं, उनको 2 साल पूर्व जब वेद प्रकाश जी ने और नागेश जी जाकर उनको हटाया, आज वो भी झुग्गी में रहते, उनका दर्द उनकी तकलीफ नहीं है क्या? टेलेरी वाले वो भी हमारे भाई, ये भी भाई, सबसे पहले आप उनका निकाल करिए, और आज अभी आप सदन में बोलिए कि जो एमआईसी में 6 महीने से वो किस कारण से फाइल रोक के रखे, आपके मन में आपकी इच्छा शक्ति में खोट है जो आप 6 महीने से उस फाइल को एमआईसी में रोक के रखे, और चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो सब कहीं ना कहीं मिला हुआ है उसमें, अभी मैं खुद सच कर रहा हूँ 4 दिन से एक एक ब्लॉक में जाके, ये सच्चाई है कि मैंने अपने लोगों को बसाया, आज गर्मी में उनके पास पानी नहीं है, लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, वो कहाँ जाएंगे वो परिवार, और आप ऐसी तरीके से अगर 1 महीने का काम हो जाता तो 436 मकान बने, इन दलाली की भेंट चढ़ जाती। किन किन पार्षदों के टैंकर किराए पर चल रहे हैं इसका खुलासा करें, इस सब पर सबने चुप्पी साध ली। विधायक विनय सक्सेना ने नगर सत्ता से सवाल किया कि 6 महीने पहले आपने शहर के सारे बोरवेलों के कनेक्शन काट दिए, उस समय भी मैंने आवाज उठाई थी,
तब भी आपने चुप्पी साध ली, ऐसे में अब हल्ला करना बेमानी है। वहीं वरिष्ठ पार्षद एवं विधायक विनय सक्सेना ने हो हल्ले के बीच सभी पार्षदों को नसीहत दी कि नगर निगम चुनाव को 6 महीने बचे हैं, अब जनता के सामने जाने का समय आ रहा है, लिहाजा सभी पार्षद और नगर सत्ता मिलकर जनता की सेवा करें और सभी आवश्यक काम और जन समस्याओं को निपटाएं। अधिकारियों की मर्जी से चलने पर नुकसान हमारा ही होने वाला है। जनता के प्रति अधिकारियों से ज्यादा जवाबदेह जनप्रतिनिधि हैं। जबलपुर से कदीर खान की एक रिपोर्ट।